जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उसका भाग्य उजागर हो, उसका लक उसके साथ हो, और अपने भाग्य को जगाने के लिए अक्सर कई लोग राशि रत्नों को धारण करते हैं। राशि रत्नों को धारण इसलिए किया जाता है कि जीवन में अधिक से अधिक वो तरक्की कर सके, उनके जीवन की समस्याएँ समाप्त हो और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, राशि रत्नों को धारण करने से ना केवल कुंडली के दोष ही दूर होते हैं, बल्कि राशि रत्न कई प्रकार की बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ के लिए भी पहने जाते हैं। लगातार होने वाले रिसर्च से, शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि राशि रत्न कई बीमारियों को ठीक करने में अपनी पूरी मदद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि कौन सा रत्न आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू सेफायर की, यानी कि नीलम। ये रत्न ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, जिनका मन हमेशा उदास रहता है, जिनका मन हमेशा खराब रहता है। ऐसे लोगों के लिए नीलम उन्हें उत्साहित बनाने में, डिप्रेशन को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस रत्न की खास बात यह है कि इस रत्न की तासीर बहुत ठंडी होती है और ये जल्दी ही असर दिखाने वाला रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से कैंसर जैसी बीमारियों में भी फायदा मिलता है। कैंसर, एनीमिया, पीलिया, बुखार और एलर्जी में नीलम बेहद प्रभावशाली असर छोड़ता है। यदि इस रत्न को धारण करने के 24 घंटे के अंदर कोई असर दिखाई ना दे तो तुरंत उसे उतार कर रख देना चाहिए। अगला रत्न है मोती। जी हाँ दोस्तों, पर्ल। जिन लोगों के नेत्र से संबंधित बीमारियां हैं, सांस लेने में तकलीफ है यानी कि श्वास से संबंधित परेशानियां हैं, या फिर ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, उनके लिए मोती एक रामबाण रत्न माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्र रोग, सांस रोग या ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियों में मोती शीघ्र प्रभाव छोड़ता है। कनिष्का अंगुली में मोती पहनना काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि कनिष्का अंगुली के ठीक नीचे चंद्र पर्वत होता है और इसी कारण से चंद्रमा के शुभ प्रणाम आपको तेजी से मिलते हैं। इसे कभी भी अनामिका में नहीं पहनना चाहिए। गुरु की अंगुली तर्जनी में भी इसे पहना जा सकता है। आप जानते ही होंगे कि मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है, जो कि मानसिक रोगों से भी बचाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उन्हें मोती रत्न धारण करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उन्हें मोती धारण करना चाहिए। इसके अलावा निराशा, श्वास संबंधित रोग, सर्दी जुकाम जिन्हें बार बार लगातार रहती है, उन्हें भी मोती पहनना काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। अगला रत्न है कैट्स आई, जिसे हम लहसुनिया कहते हैं। लहसुनिया रत्न धारण करने से कफ, पाइल्स, अपच और आंख से संबंधित बीमारियां, खासकर सिर दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है। लहसुनिया रत्न को तर्जनी में पहना जाता है, क्योंकि गुरु की राशि धनु में उच्च होती है और यह ऊंचाइयां प्रदान करता है, शत्रुता का नाश करता है। इस रत्न को हीरे के साथ कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार दुर्घटना के योग बनते हैं। अगला रत्न है हीरा, यानी कि डायमंड। अगर किसी व्यक्ति की त्वचा में चमक कम हो रही है तो उसे हीरा धारण करने से लाभ मिल सकता है। हीरा धारण करने से ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। जो लोग नींद में चलते हैं, ऐसे लोगों की बीमारी, नींद में चलने की बीमारी भी हीरे से काफ़ी जल्दी दूर होने लगती है। इसके अलावा हृदय संबंधित रोग हीरा पहनने से काफ़ी जल्दी ठीक होता है। हीरा रत्न अत्यंत महंगा और सुंदर दिखने वाला रत्न होता है। इसे गुरु की अंगुली यानी कि तर्जनी में पहना जाता है, क्योंकि तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे शुक्र पर्वत होता है और शुक्र के अशुभ प्रभाव को नष्ट करके शुभ फल देने हेतु हीरा पहना जाता है। और दोस्तों, अगला रत्न है येलो सेफायर, यानी कि पुखराज। पुखराज को बेहद कीमती रत्नों में माना जाता है। इसे धारण करने से मानसिक अशांति दूर होती है। इससे एलर्जी, एनीमिया, अपेंडिक्स, अर्थराइटिस, खासकर पीठ का दर्द और ब्लैडर संबंधित समस्याएं तेजी से दूर होती है। डायबिटीज, एक्जिमा, टीबी और टाइफाइड में भी पुखराज अपना चमत्कारी प्रभाव छोड़ता है।
पुखराज गुरु का रत्न होता है और पुखराज पहनने से गुरु से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। इसे हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। किसी विशेषज्ञ ज्योतिष की सलाह के बाद ही आपको रत्नों को धारण करना चाहिए। अगला रत्न है रूबी यानी कि माणिक। माणिक हमेशा अनामिका में ही पहना जाना चाहिए। यह रत्न सूर्य का रत्न माना जाता है। बर्मा का माणिक सबसे अधिक महंगा होता है और वैसे आजकल आपको कई नकली माणिक भी बर्मा का कहकर बेचने वाले मिल जाएंगे। बर्मा का माणिक अनार के दाने के समान होता है। माणिक को पहनने से आँखों से जुड़ी समस्याएं, बुखार, पीलिया, ब्लड संबंधित समस्याएं, जिनके खून से जुड़े रोग हैं, खून से संबंधित समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर और दिल से यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियों में भी यह काफ़ी फायदा पहुँचाता है। अगला रत्न है पन्ना। जी हाँ दोस्तों, गहरे रंग का पन्ना गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसे धारण करने से कान व आँख के रोग दूर होते हैं। पाचन से संबंधित समस्याएं जिन लोगों के हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं जिनके पास है और बालों की समस्याएं, बाल गिर जाते हैं, बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, ऐसे लोगों को पन्ना काफ़ी फायदा पहुँचाता है। पन्ना को हमेशा कनिष्का अंगुली में धारण करना चाहिए। और अगला रत्न है मूंगा। जी हाँ दोस्तों, मूंगा मंगल का रत्न माना जाता है। ये रत्न व्यक्ति में ऊर्जा भरता है। जिन लोगों के किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, किडनी रोग है, उन्हें मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है। पीलिया रोग में भी मूंगा काफ़ी फायदेमंद माना गया है। बच्चों को मूंगा पहनाने से बालारिष्ट रोग से बचाव होता है। तो ये थे कुछ रत्न जो कि बीमारियों में काफ़ी सहायक हैं, बीमारियों को दूर करने में सहायक हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली में अवश्य देखना चाहिए या फिर किसी विद्वान ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए कि क्या आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। कुंडली के अनुसार ही आप रत्नों को धारण करें। अपनी मन मर्जी से रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।